आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड सरकार की लचर पैरवी और लेट लतीफी के चलते राज्य आंदोलनकारियों के 730 सरकारी नौकरियों पर संकट आ गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% के क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार की ओर से दायर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने सरकार के प्रार्थना पत्र को ये कहकर निरस्त कर दिया कि आदेश को हुए 1403 दिन हो गए और सरकार अब मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पेश कर पाई, अब इसका कोई आधार नहीं रह गया है। सरकार की ओर से देर से दाखिल करने की कोई ठोस कारण भी नहीं दिया गया है। ये प्रार्थना पत्र लिमिटेशन एक्ट की परिधि से बाहर जाकर पेश किया गया, जबकि आदेश होने के 30 दिन के भीतर पेश किया जाना था। कोर्ट के इस रुख के बाद राज्य आंदोलनकारियों को कोटे से मिली 730 नौकरियों पर संकट आ गया है। इससे राज्य आंदोलनकारी खासे नाराज है। सर, क्या पहला रिएक्शन है? चूंकि 6-7 साल हो गए हैं राजभवन से वो विधेयक हस्ताक्षर होकर बाहर नहीं आया, अब कोर्ट ने भी सरकार की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, अब तो 730 जो नौकरियां आपकी हैं वो भी जाने की स्थिति में। देखिए, निश्चित रूप में ये इस फैसले को मैं दुखद अभी इसलिए नहीं कह सकता, दुखद तो उस सेंस में है, दुखद इसलिए ज़्यादा है कि सरकार ने जान के ना समझी करी या सरकार ने साजिश करी, ये मुझे नहीं मालूम है। आप ये देखिए कि जो चीज़ कानून में, इसका मतलब या तो महाधिवक्ता को भी इस्तीफा देना चाहिए, कानून मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जो चीज़ उच्च न्यायालय में 30 दिन के अंदर रखी जानी चाहिए थी वो आपने जो है कम से कम 4 साल बाद पुटअप करी वहाँ पे। आप ये सेंस देखिए कि कैसे न्याय विभाग काम कर रहा है, कैसे सरकार काम कर रही है, तो ये पहले तो मनसा यहाँ क्लियर हो जाती है। अब 10% क्षतिज आरक्षण की जहाँ तक बात है, इसमें जो चीज़ प्लीज जो 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी, उससे बड़ी बात बार बार जब ये केस जो है सोमोटो करके वहाँ पर लिया गया था, और बायस्ड होके, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, बायस्ड होके जब इस केस को उच्च न्यायालय में चलाया गया और वहाँ पे बकायदा बार बार जज पूछते रहे कि सरकार ने कोई एक्ट बनाया, सरकार ने कोई कानून बनाया, लेकिन सरकार ने कानून नहीं बनाया। और 2015 में जाके जब कानून बनता है और वो कानून या वो अधिनियम जो वो एक्ट जो बनता है वो आज भी 7 साल से राजभवन में बंद है। मुझे ये बताइए कि राजभवन में सारी फाइलें हो रही हैं तो ये 7 साल से इस फाइल को क्यों नहीं छेड़ा जा रहा है? क्या फाइल खो गई है या आपकी मंशा नहीं है? आप उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें मजबूर होकर राज्यपाल गो बैक के नारे लगाने पड़े। क्या अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं इस पूरे मसले? अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री से हमारे समय के, मैंने लिखा हुआ है उसमें समय के मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री अपनी एक हमें प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि क्या किस दिशा में काम कर रहे हैं, और फिर मेरी एक कोशिश है कि अभी क्योंकि जो है अभी हमारे महामहिम में नए आए हैं, एक मेल उनको भेजी थी, वहाँ से मुझे फ़ोन आया था कि अभी समय नहीं है, लेकिन अब मैं पुनः एक बार उनसे भी प्रयास कर रहा हूँ, अन्यथा हम लोग सड़कों पर आके पोल खोलो, हमें कोई ऐसा कार्यक्रम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये अब आपको नए सिरे से लड़ाई दिखाई देगी, मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ। आपको याद है कि 2004 में राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण दिए जाने को लेकर एनडी तिवारी सरकार 2 शासनादेश लाई थी। पहला शासनादेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए, जबकि दूसरा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए था। जीओ जारी होने के बाद राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया। 2011 में उच्च न्यायालय ने इस जीओ पर रोक लगा दी। बाद में हाईकोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर 2015 में इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। 2015 में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में विधेयक पास कर राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का विधेयक पास किया और इस विधेयक को राज्यपाल के हस्ताक्षरों के लिए भेजा, लेकिन आज तक राजभवन से विधेयक वापस नहीं आया। सरकार ने बुधवार को राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर वाले शासनादेश में शामिल प्रावधान के संशोधन को प्रार्थना पेश किया था, जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अभी तक आयोग की परिधि से बाहर 730 लोगों को नौकरी दी गई है जो अब खतरे में है। जो आज खबर हाईकोर्ट से निकल कर आई है वो निश्चित तौर पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बातचीत करेंगे सर, ये कहां पर गलती हुई है? देखिए, ऐसा है, प्रथम मुख्यमंत्री इस राज्य के श्रद्धेय नित्यानंद स्वामी जी थे, और माननीय नित्यानंद स्वामी जी से लेकर पुष्कर सिंह धामी जी 2 की जो सरकार है, सभी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों, यहाँ की संघर्षशील जनता, विशेषकर मातृशक्ति के को सम्मान देने का हमेशा प्रयास किया और सम्मान भी दिया है। उसी क्रम में 10% क्षतिज आरक्षण के अंदर नौकरियां भी लगी हैं, सम्मान पेंशन भी दिए हैं, और भी तरीके से सम्मानित किया है, लेकिन क्या कमी ये रह गई कि हमेशा क्या हुआ कि जो भी सम्मान दिया गया उनके जीओ शासनादेश निर्गत हुए या सर्कुलर निर्गत हुए, कायदे में इन सब विषयों पर अधिनियम एक्ट कानून बनना चाहिए था। अब क्योंकि हमारी अभी समझ में ये आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी की
पुष्कर सिंह धामी जी की पार्ट वन की जो सरकार थी, यानी कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसके मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव पारित करके माननीय राज्यपाल जी को अनुमोदन के लिए प्रेषित किया हुआ है। आचार संहिता लगने के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ, लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में माननीय राज्यपाल जी की मोहर लगेगी, उसको एक संवैधानिक कवर मिलेगा, एक संरक्षण मिलेगा, लीगल कवर मिलेगा, तो ये एक्ट बन जाएगा, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। माननीय राज्यपाल जी इसका अनुमोदन देंगे, फाइनल शॉट लगेगी और ये कानून बन जाएगा। लापरवाही तो हुई है इसमें, अब वो नौकरशाही को हम ब्लेम करें, हम जो है अपने सरकारी वकीलों को ब्लेम करें या हम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को ब्लेम करें, तो वो समय तो निकल गया है, अब काम करने का समय है। हमको रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, आउटपुट देना है, और आउटपुट इसका यही है कि हम एक्ट बना के इसको जनता के सम्मुख पेश करते हैं। 780 नौकरियों पर संकट है, आप गारंटी देते हैं आज की उनकी नौकरी नहीं जाएगी? 101% हम पूरी तरह से गारंटी करते हैं इस बात को कि एक भी हमारा जो कार्मिक है, जो उत्तराखंड आंदोलनकारी कोटे से लगा है, उसकी नौकरी के फिर संकट आना तो बहुत दूर की बात है, उसको कोई टच भी नहीं कर पाएगा तब तक उससे पहले अधिनियम बन जाएगा। चलिए, तो ये थे रविंद्र जुगराल, जो कि राज्य आंदोलनकारी है, लंबे समय तक सड़क में संघर्ष उनका रहा है। उन्होंने एक गारंटी दी है, गलती किसी की भी रही है, वो नौकरशाही को भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो जो काउंसिल है राज्य सरकार का उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन एक गारंटी वो सरकार की तरफ से दे रहे हैं कि जिन 780 नौकरियों पर खतरे की बात कही जा रही है, वो नौकरियां किसी भी हालत में सरकार नहीं जाने देगी। कैमरा प्रतीक के साथ हेमवर्त जयभारत टीवी।